तो आज का ब्लॉग है कि जैसे हम पिछले ब्लॉग में बोले थे कि हम भाभी से सीखेंगे खाना बनाने में, तो रोटी सब्जी तो खैर आता ही है, तो अभी हम उनसे मछली बनाना सीख रहे हैं क्योंकि हमको मीट मछली वगैरह कुछ नहीं आता बनाना और वहाँ पे हमको प्रॉब्लम होता था ये सब बनाने में। तो अभी हम भाभी से सीख रहे हैं, फिर जब हम धनबाद जाएंगे तो हम ये सब बनाएंगे। तो अभी हमको भाभी सिखाएगी ये मछली बनाना। वैसे फर्स्ट टाइम है, पता नहीं कैसे बनेगा, स्मेल बहुत ज़्यादा करता है इसका, लेकिन कोई ना, सीखना तो होगा ही अब, क्योंकि मछली वहाँ तो खाते ही है सब लोग, तो जब खाएंगे तो बनाना तो होगा ना। वहाँ यहाँ पे तो नहीं बनाते थे, चलता था, लेकिन वहाँ तो मेरे को ही बनाना होगा, तो इसलिए हम आज हम मछली ही बनाना सीखेंगे। और आज हम ये लुक दिए हैं क्योंकि आज हम रील बनाने वाले हैं इस लुक में, तो वो आपको इंस्टाग्राम में मिलेगा idealisti.meetu, तो वो आपको वहाँ पे रील मिलेगा इस लुक का। तो चलिए अभी ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। पूरा साफ करना पड़ता है इधर, कितना पूरा साफ करके दिया तुमको, थोड़ा सा यहाँ चुईया निकलना है और बस खूना देखो साफ करना, बस हो गया। और दो तीन बार धुल लेना है ऐसे कर करके, और इसमें लगना, फिर निकलो उधर रखो। अभी करेगी इसको छुलाना है, देखो बना के दे दो ठूस ले। हमको आ गया धुलने, अब जाइए हम धुलते हैं। वहाँ पे एक दिन में मछली नहीं बनाए थे? नहीं, हमको नहीं आता है। अरे बाप रे, हम अभी भाभी से सीख रहे हैं। बता दीजिए तो, कौन सा मछली है बताइए ना। चिंगड़ी मछली? नहीं, हर मछली चिंगड़ी ही दिखता है। चलिए, कौन सा मछली है ये? टेंगरा। टेंगरा मछली तुमको बहुत पता है भाई, कितना दिन रहा तुम कोलकाता में? अरे हम गाँव में ये सब पकड़ते थे। सही है क्या? मतलब कह रहा क्या चाह रहा तुम, इससे पहले भी नहीं पड़ता था? अरे हम मछली, हम ये क्या मार, मतलब क्या होता है ना गांव में, सब मिल के ये जो रहता है। कंप्लीट हो गया, आर्यन बगर बगर कर रहा था साथ में। ये दीदी कब से शुरू करेंगे ब्लॉगिंग करना? जैसे कि अभी भाभी बताई मेरे को चप्पल लेगा रे, चप्पल ले लेते, मिल गया। अभी हम इसको चलाने कैसे क्या? ये हाल मेरा जानू किया है, जानू का भी रुको उधर लाते हैं इसको रे। ना बदमाश है मेरा जानू, लेकिन सही बता रहे हैं उसका कारनामा जानू। तो ये जूस है, आर्यन पिएगा इसको। हे भगवान,
पे गर्दा पड़ेगा तो इतनी को तेल तो फेंका ही जाएगा ना बाद में, चार पांच करके देंगे जब तक पूरा नहीं गर्म। चल आनू पीड़ा लेके आओ बाथरूम से, जा गर्मी भी लग रहा है। ऐ क्या लिखा बेटा, मग नहीं पीड़ा, उसको देखो मग पीड़ा बोले तो मग ला के दिया जिससे बैठता है। हेलमेट है गाड़ी का, लेगा है। अरे जाम चिपका हूं, कई बार बहुत पैर पड़ गया तो मेरे को डर लगता है। अरे बाप रे, वो तो बीच में फूट जाएगा तो उसको अभी कितना देर फूट जाएगा। हेलो अरे अंदर बाबू सोना से माई है। चलो ये भैया का फोन है, तू आपका ना था आईफोन, वो 11 तो मेरा है। मछली खाने में इतना मजा आता था लेकिन आज पता चला कि बनाने में कितना बड़ा सजा मिलता है। 5 घंटा में खोल लेगा। हमको लग रहा है जल रहा है। जल रहा है क्या? तेज है भाभी, देख लीजिए क्या लग रहा था कि हम ऐसे ब्लॉग के लिए कर रहे हैं। हमको आता है मछली बनाने। हम कभी बनाए ही नहीं थे ना ये मछली। मुर्गा कुछ नहीं बना, कुछ भी नहीं बनाया। और सोचो सो। गाड़ गाड़ के, हाँ वैसे कर किसको किसको मुड़ी खाना पसंद है बताओ कमेंट्स में। ये माथा है ना, माथा खाने से क्या होता है भाभी? बुद्धि होता है, आँख का रोशनी तेज होता है। हम लोग तो डेली चलते हैं। हम कोलकाता गए थे आपके साथ भाभी, बारे डेली मछली आप बोलते हैं बोलते हैं। प्रिया को लाना, उसको खिला खिला के मोटा कर दे। मजा आता है ना। इसको कहाँ रखते हैं? उसको उधर ही रख दो, बगल में रख दो। इसको फिर देना, फिर से दो, लेकिन धीरे धीरे देना, वैसे नहीं कि हाथ जल जाए। ये बेटा तुम हट जाओ, सटा के देना कढ़ाई में ना, सटा के देना समझी। हाँ तब नहीं होगा। वो लास्ट मछली बताया आ रही है, लेकिन मजा आ रहा है ना। सिंगी मछली है ये। ए मत देना वो अभी लास्ट में, बस हिला ना, नहीं बस छोड़ दो। हाँ यही तो हुआ। हाँ और आटेगा उसमें, बीच में आटे। हाँ हमको आ गया देना, अभी हम हाथ धुल के आ रहे हैं। हमको लगता है गैस खत्म होने वाला है। तो गाइस अभी वो प्रोसेस हो रहा है, अभी भाभी से पूछते हैं कि इसमें क्या क्या मसाला वगैरह लगा है। तो हम पहले प्याज, ये कितना प्याज डाले आप इसमें? हम 3 प्याज दे बड़ा बड़ा, ठीक है 3 प्याज। तुमको जैसे क्वांटिटी में तुमको लगेगा कि हाँ हमें इतना प्याज देंगे तो प्याज दिए। टमाटर 2 टमाटर दिए छोटा, और एक रहता ना देते, लेकिन 2 ही टमाटर था तो 2 ही दिए। 2 टमाटर दिए छोटा, इतना छोटा छोटा पीस किए है ना। और ये प्याज का पीस, और इसमें है पोस्तो, सरसों और कच्चा मिर्चा। पोस्तो कितना दिए होंगे? पोस्तो दिए इतना, और उसके बाद सरसों इतना दिए, और कच्चा मिर्चा। कितना कच्चा मिर्चा डाले होंगे? लगभग 10 गो। 10 डाल दिए, तीखा नहीं बनेगा? नहीं तीखा कम बनेगा, बस इतना ही मसाला पड़ता है इसमें। और हल्दी और नमक तो पहले दे। हाँ, और आधी सरसों दे रहे ना, उठा बता रहे। अगर सरसों मछली बनाएगी ना तो आधी लहसुन का जरूरत नहीं है। और अभी हम लोग वही बना रहे हैं, सरसों दे, आधी लहसुन नहीं दे रहा। और अगर सरसों नहीं दे के बनाएगी तो आधी लहसुन देगी, बस फर्क इतना ही है। बाद बाकी सब कुछ सेम बनेगा। अच्छा, और ये कितना दे, मतलब कितना टाइम में बन जाएगा ये? डेढ़ लगता है, उसके बाद थोड़ा बस मछली भूनने में जितना लगता हो जाएगा। उसके प्याज को भूनेंगे, प्याज को भूनने के बाद टमाटर को फ्राई करेंगे अच्छे से। अब दोनों प्याज का कच्चा स्मेल होता है निकल जाएगा, तभी सरसों पोस्तो देंगे। ये वाला गोटा मछली डाल, दिखाइए ना कैसे खाओ मछली। सीधा है ना,
थोड़ा अजीब लग रहा था लेकिन अब भी बनाने में मजा आ रहा है। एक दिन मुर्गा बनाएंगे क्या? कौन बनाता है वहाँ पे? वहाँ पे एक बार हम बनाए थे। क्या बनाए थे वहाँ पे? वहाँ पे एक बार चिकन ही बनाए थे और एक बार मेरी ननद बनाई थी, दो बार बनाई। एक चीज देखे यूट्यूब में, मुंह बनाएंगे कब से सोच रहा है नहीं बन। कुंची का ब्रेड और खोवा का खाए कभी? मेरी बड़ी वाली ननद है वो हमको खिलाई थी, तो हम उनसे सीख चुके हैं। हम खिलाएंगे किसी को ब्रेड और खोवा खा लेना, कभी खाए नहीं होंगे। नहीं, हम वही सिखाएंगे आपको, मतलब खिलाएंगे आपको। अब खा के आपको अच्छा लगेगा तो हमसे पूछिएगा, तो मजा आएगा। हाँ देखो बस हो गया, अब उसको हिलाओ। इतना प्याज एक तक चलेगा? जब तक प्याज का स्मेल, कच्चा स्मेल ना चल जाए ना, तब तक। टमाटर नहीं डालना अभी? अभी नहीं डालना, अभी उसको और थोड़ा सा होने दो। हमको जाना था आज मार्केट। इधर से दिखाई नहीं। अरे सूप नहीं ना पिए बाबू? नहीं पिए। अरे कल गए थे, खत्म हो गए थे, हम कल लेने गए थे घर। मछली नहीं डालना रे, सरसों पोस तो डालो। अभी खिचड़ी बना देती तुम। अच्छा ये मछली धोए ना, यहाँ पे कट गया मेरा, लहर रही है वाला मसाला डालो। तो लहरेगा नहीं उसमें, मिर्चा हाथ डुबा लो उसमें। उधर देखो मसाला का डिब्बा उठाओ। ओ अच्छा, वो मसाला दे ना। अभी बना भी नहीं, अच्छा लगा देख ना। हाँ ऐसे तेल छोड़ देना, ये वाला जो तेल छूट रहा है ना, जो तेल है ना वो छोड़ देगा, तो सोच लो भूंज गया। अच्छा। मसाला अच्छे से भूंज गया। तो अभी पानी दे दो। पानी सारा दे दे दो, धीरे धीरे देना, एकदम सारा पानी नहीं देना। आप चलाओ फिर दो, दो फिर दो, और पानी दे क्या? और पानी लगेगा थोड़ा सा, लेके जाओ पानी और लेके आओ। तो फाइनली गाइस कंप्लीट हो गया है, मतलब ये जो मसाला वसाला डाल दिए, डबक उबक गया थोड़ा सा, उसके बाद लास्ट में मछली डाला जाता है तो डाल दिए, और हमको भाभी बता भी दी कि कैसे फिर साइड साइड से करना है, और उसका ढक दिए हैं। अब लास्ट में धनिया पत्ता डालना है, भाभी बताई है, तो अब वही होगा। और फाइनली हम मछली बनाना सीख गए, सो थैंक यू भाभी अगेन। एंड चलिए अब देखते हैं कि टेस्ट कैसा है, भाभी खाएंगी, सब लोग को देंगे, उसके बाद बताते हैं। मतलब खोलने के बाद ही धनिया पत्ता देंगे ना? खोल जाएगा धनिया पत्ता दे देंगे, ग्रेवी देख लेंगे, इतना ग्रेवी। अच्छा इनफ है। हाँ। उसका लास्ट में डाल के बंद कर देना है ना, लास्ट लुक दिखा देना। हाँ लास्ट वाला लुक दिखाएंगे। मजा आया लेकिन पता बनाने में। ऐसे गप मार मार के बनाए ना, इसलिए मजा आया क्या? हम खुद क्या क्या कान करते, बाद में लेकिन सबको अच्छा लगता है कोई भी कांड करते हैं तो। क्योंकि आप फनी कांड करते हैं। आज हम लोगों का सिलेंडर साथ दे दिया। आप कितना बोल रहे थे ना कि नहीं धोखा दे देगा, धोखा दे देगा। देखो ना अभी लग रहा है नहीं, तो हमको लग रहा है ये हवा जो चल रहा है उसके वजह से बहुत कम इधर उधर हवा चल रहा है। जानती नहीं इतना दूर तक आग चलाता है तो कहाँ है? तो बाप रे लग रहा है, दिख रहा है इसमें, तो दिख क्यों नहीं रहा है? कैमरा बंद हो गया? नहीं जल रहा है, जल रहा है बाप, एकदम कम है ये, आप स्पीड कीजिए ना इसको। स्टॉप करने लास्टली ये लेके जा रही है किचन, क्योंकि वहां पे बहुत स्लो हो रहा था, तो यहाँ पे हम हटा देते हैं। हम लोग इसको बाद में पोंछ देंगे, ठीक है? लाइटर कहाँ पे? हम लोग का अभी कैसे आवाज कर रहा है? बंद कीजिए, बंद कीजिए। फिर से जलाइए तो ठीक है। हाँ जैसे कि वहाँ पे बहुत स्लो हो रहा था और पापा को जाना भी है, तो भूख भी लग गया है, वो दो बार पूछ चुके हैं, तो इसीलिए दो बार पूछने लिए आए थे कि बना कि नहीं। तो हम अभी गैस किचन में लेके आए, और अभी जैसे ही बनेगा किचन को पोंछ देंगे।
और बाकी इस धनिया पत्ता को बस थोड़ा सा वो खोल जाए उसका दिए डाल देंगे। पापा चल गए थे, पापा दो बार पूछ दिए बेचारा, पता है आपको कहाँ गए पापा? पापा वो बगल वाला फ्लैट में है, वो है ना। हाँ देखिए यहाँ पे कितना जल्दी खोलने लगा ना, खोलेगा खोलना नहीं भाभी, उबर क्या बोलते हैं डबके का, हम लोग दोनों का दोनों वही चाहिए। चम्मच नमक ले गया, लेकिन आर्यन भी चला गया ना, आराम से गर्म होगा। ठीक है ना, लास्ट प्रोसेस हो रहा है, धनिया पत्ता डाल दिए भाई, और तो उबलेगा ना, इसको पूरा ऊपर से थोड़ा दे देंगे। ठीक है और हम कर देंगे, अब आप इतना बता दिए हैं, थैंक यू। धनिया लुक पापा पेटी मांगे, पेटी क्या होता है इसमें? वो पेट वाला को होता है जो तुमको खाना दिया ना, भुंजर होता ये होता। अच्छा ये बहुत टेस्टी लगता है। तो भाभी आप खाना शुरू भी कर दिए, ये वो भाभी इसलिए खा रही है क्योंकि मारा को खाना खिलाएगी। तो भाभी बताइए कैसा बना? हाँ सही में नमक लगा? नमक सही है, सब सही है। चलिए अच्छा है, पापा को भी दे दिया, सब लोग खा रहा है यहाँ पर, फिर भाभी खा रही है, फिर उसके बाद अभी हम लोग खाएंगे। तुम लोग खा लेना ठीक है। हाँ अभी आर्यन भी आएगा, वो भी खा लेगा। हाँ सब अभी आप खा लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग भी जा रहे खाने के लिए। तो कम कम बेटा कम कम। तो गाइस अब वीडियो को एंड करते हैं, कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट करके बताइएगा। इसको मुंह में नहीं लेते, छी बाय बाय करो, बाय बाय सोच रही है अभी। Hey! Hey!